हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू स्लीपी क्लासेज इन योर फ्यू मिनट सीरीज ना वेरी इम्पोर्टेंटली हम वेरी ऑफन जब इकोनॉमिक सर्वे को देखते हैं हम इसको बहुत ही एक जी एस थ्री के परस्पेक्टिव से जो है पढ़ते हैं हाउ एवर विफ गेट कि जब हम इकोनॉमिक सर्वे की बात कर रहे हैं या फिर जब हम आगे चल के बजट है उसके वेरियस प्रमाइसिस को भी देखते हैं उसके स्पिल ओवर इफेक्ट्स हर एस्पेक्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी पॉलिटी एंड इकोनमी में होते हैं एंड इसी तरह से आपके इकोनॉमिक सर्वे की भी कई पोर्शन कई पार्ट्स कई चैप्टर्स जो हैं आपके जी एस टू के अंदर पर्टिकुलरली आपके गवर्नेंस सेक्शन के लिए जो है बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं और ऐसा ही एक पार्ट है आपका जो चैप्टर टेन है विच इज ऑन सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एम्प्लॉयमेंट तो उसका कुछ जो पार्ट है प्लस इसी के साथ साथ आपका जो ओपनिंग चैप्टर है वेरी इंपॉर्टेंटली जहाँ पे एक पूरा प्रीफेस दिया गया है जहाँ पे एक जनरल असेसमेंट किया गया है और वेरियस ट्रेंड्स राइट इंडियन इकोनॉमी के अंदर किस तरह से उसकी ग्रोथ हो रही है किस तरह से फ्यूचर ट्रैजेक्टरी होगी उसके अंदर भी कुछ जो इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज़ किए गए हैं वो हमारे गवर्नेंस के पार्ट के लिए पर्टिकुलरली व्हेन वी टॉक अबाउट पॉवर्टी एलिवेशन पर्टिकुलरली व्हेन वी टॉक ऑफ डेवलपमेंट पर्टिकुलरली व्हेन वी टॉक ऑफ वेलफेयरिज्म एज वेल एज आपकी जो स्कीम्स uh, हैं उनके लिए ये बहुत ही क्रिटिकल साबित हो सकता है ठीक है नाउ बिफोर मूविंग ऑन जस्ट टू लेट यू नो दैट फॉर स्टूडेंट्स हुआ प्रिपेयरिंग फॉर 2023 का अटेम्प्ट आपके लिए एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स आया है जो कि आपके प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा तो वी डोंट स्टॉप एट प्रीलिम्स बल्कि हम आपकी मेंस के लिए भी जो है आपकी कंप्लीट तैयारी कराते हैं इन अ जनरल स्टडीज़ का कोर्स विच इज़ फाउंडेशन कम मेंटरशिप कोर्स जहाँ पे आपको कंप्लीट कवरेज ऑफ सिलेबस मिलेगी दोनों ही प्रीलिम्स प्लस मेन्स पर्स्पेक्टिव से इसके बाद चैप्टर वाइज प्लस सेक्शनल एम देन आंसर राइटिंग विद वैल्युएशन तो ये आपके प्रीलियम्स के लिए ये आपके मेन्स के लिए साथ ही में मंथली करंट अफेयर्स की कवरेज साथ ही में तीन सेशन विथ आर इन हाउस साइकोलॉजिस्ट आपकी यू नो काउंसिलिंग सेशन के लिए बिकॉज अकेडमिक प्रेशर्स के साथ यू नो टाइम टेबल बेटर टाइम मैनेजमेंट ये सब भी ज़रूरी होती है प्लस वन ऑन वन मेंटरशिप भी एक प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप वेरी इंपॉर्टेंटली दिस विल बी वैलिड टिल यूर मीन ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री तो आप इसको मल्टीपल टाइम्स जो है रिवाइज कर सकते हैं इसके अलावा हमारा ऑप्शनल जो है पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस ऑप्शनल उसके लिए भी 2023 के लिए आपका फाउंडेशन प्लस मेंटरशिप कोर्स जो है वो अवेलेबल है जिसके अंदर पूरे सिलेबस की आपको वीडियो लेक्चर्स एंड पी प्रोवाइड की जाएंगी जो कि मल्टीपल सोर्सेस से बनाए गए हैं प्लस ट्वेंटी टॉपिक वाइज टेस्ट जिसके अंदर आंसर इवेल्यूएशन भी प्रोवाइड की जाएगी अलॉन्ग विद वीडियो सोल्यूशन एंड मॉडल आंसर्स देन मंथली करंट अफेयर अपडेशन बिकॉज पी में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं चार आपके के बाद साथ साथ ही साथ में एक टेलीग्राम ग्रुप and one -on -one mentorship ताकि आपकी प्रॉपर कोर्स गाइडेंस एंड ऑप्शनल गाइडेंस जो है वो हो पाए तो चलिए बढ़ते हैं आज के बहुत ही इंपॉर्टेंट अब टॉपिक की तरफ सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया था आपकी इंट्रोडक्टरी ही चैप्टर के अंदर आपने कुछ टर्म्स सुने होंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स थे राइट कॉल्ड बारबेल स्ट्रैटेजी जिनके साथ जो है उन्होंने इस चीज़ का रेफरेंस दिया अब ये बारबेल स्ट्रैटेजी क्या होती है बेसिकली बारबल स्ट्रेटजी स्ट्रैटेजी जो है फाइनेंस सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट में इकोनॉमिक्स में बहुत सारी जगहों पे जो है ये यूज़ होती है क्योंकि बेसिकली इज़ अ वे जहाँ पे हम एक कॉम्बिनेशन एक वेरियस बंडल्स या बुके ऑफ सोफ सेफ्टी नेट्स जो है उसको तैयार कर देते हैं अब सेफ्टी नेट्स क्यों हम बनाते हैं जब भी आप किसी छत से कूदते हैं है ना कोई कोई स्टंट आर्टिस्ट होता है या कोई भी होता है नहीं तो उन्होंने कोई ऐसा स्टंट करना है जहाँ पे वो ऊपर रूफटॉप से कूद रहे हैं तो अब आप जितने मर्जी एक्सपीरियंस स्टंट आर्टिस्ट हो जाओ आप फ्री फॉल तो नहीं करेंगे है ना क्योंकि कभी कभी डर होता है कुछ गड़बड़ हो जाए तो सेफ्टी नेट प्रोवाइड किया जाता है नीचे एक सेट एक नेट या एक क्वेश्चन कुछ बिछा दिया जाता है जो कि उनको होल्ड कर सके यहाँ पे एक सेफ्टी वायर उनमें डाल दी जाती है कि अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो आपको प्रोटेक्ट करने के लिए बंजी जंपिंग जब आप जाते कहीं पर भी जाते हैं तो ये सेफ्टी नेट सेफ्टी वायर प्रोवाइड किया होता है तो उसी तरह से वो कहते हैं कि आपकी इकोनॉमिक मेजर्स में भी आपकी डेवलपमेंट इश्यूज में भी आपकी पॉलिसी इनिशिएटिव में भी आपको ऐसे एक कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिड सेफ्टी नेट्स चाहिए क्यों बिकॉज जब हम कुछ डिसीजन लेते हैं पॉलिसी इनिशिएटिव लेते हैं अब हम तो अपनी तरफ से बहुत सोच समझ के ले रहे हैं बट एक्सटर्नल इन्वायरमेंट तो चेंज होता रहता है तो कहीं उसके कुछ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज का एक बहुत बुरा इम्पैक्ट जो है हमारे जो सबसे मार्जिनलाइज सेक्शन सोसाइटी होता है उन पे आके गिरते हैं ठीक है तो उनको बचाने के लिए प्लस वेरी इंपॉर्टेंटली ऑल्सो टू क्रिएट अ फीडबैक लूप अ फीडबैक लूप जहाँ पे हमने जो पॉलिसी इनिशिएटिव लिया शॉर्ट टर्म में हम देखते हैं कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो रहे हैं क्या ये काम कर रहा है क्या इससे फायदा हो रहा है क्या इसके एडवांटेज हो रहे हैं एंड उस हिसाब से जो है हम फ्यूचर डायरेक्शन देते हैं तो एक बहुत ही फ्लेक्सिबल पॉलिसी रिस्पॉन्स हम रखते हैं बहुत स्ट्रिंजेंट नहीं होती है कि एक बार बस प्लान बना लिया अब उसके अटके रह गए चाहे वो काम करे या ना करे राइट तो इसको हम क्या बोलते हैं एक कंटिन्यूस फीडबैक बेस्ड अप्रोच जो कि सेफ्टी नेट भी प्रोवाइड करे उसको हम बारबेल स्ट्रेटजी जो है बोलते हैं। अब वेरी इंपॉर्टेंटली टाइम एंड अगेन इकोनॉमिक सर्वे ने इसको emphasize किया, फर्स्ट टाइम बट आपके जब से COVID 19 की शुरुआत हुई है 2019 के अंदर ये जो strategy है, ये जो है है बहुत ही important बन गई इन इंडिया एंड वर्ल्ड ओवर ना वेरी इंपॉर्टेंटली यहां पे हम दो चीजों की बात करते हैं बार बार स्ट्रैटेजी अब इसके अंदर ही आपको दिख गया होगा कि दो मेन कॉम्पोनेट की जो है यहां पे बात हो रही है The first component is what they call as the agile framework. यहाँ पे हमारा इको सर्वे बोल रहा है that rather than following जो हमारी एक होता था, जिसको हम waterfall approach बोलते थे Waterfall approach क्या होता था Waterfall क्या होती है Waterfall है कि बस एक बार gushing में पानी जो है बह रहा है ना बस गिरता जा रहा है एक ही डायरेक्शन है एक ही उसका फ्लो है और तेजी से जो है वो बना आ रहा है राइट अब फॉलो अप्रोच बेसिकली क्या होती है कि आप एक डिटेल्ड इनिशियल असेसमेंट बेस्ड जो है प्लान बना लेते हैं एक अपफ्रंट प्लान बना लेते हैं जिसको हम ऑफन जो है टीलियोलॉजिकल भी बुलाते हैं अगर आप पी के बच्चे आपने ये टर्म बहुत बार सुना होगा जैसे मार्क्सिज्म भी क्या है टीलियोलॉजिकल है आपने एंड गोल इमेजिन कर लिया कि ये हमारा एंड गोल है और ये डायरेक्शन ये प्लान हमने फॉलो करना है और बस उसी पे आगे, आगे आपने बढ़ते जाना है कोई लेफ्ट राइट नहीं देखना कुछ असेसमेंट नहीं करनी आफ्टर से सिक्स मंथ्स और समथिंग कि बस यही प्लान अगर आप फॉलो करते रहेंगे ना आप अपने एंड गोल पे पहुंच जाएंगे तो हमारे जो फाइव ईयर प्लान होते थे इनिशियली प्लानिंग में, में यही ये होता था और कई बार हम उसका क्रिटिसाइज भी करते हैं कि इनिशियल अगर हम प्लान्स को देखें तो जो उनसे एक्सपेक्टेशन रखी गई थी उतनी शायद वो परफॉर्मेंस जो है नहीं दे पाए थे तो इसको वाटरफॉल अप्रोच बताते हैं जहां पे एक बहुत ही रिजिड प्लान आपने बना लिया है उसको आप कॉन्स्टेंटली स्टडी नहीं कर रहे हैं कॉन्स्टेंटली उसमें चेंजेस नहीं ला रहे हैं कॉन्स्टेंटली असेस नहीं कर रहे हैं कि बस यही डायरेक्शन हमको इसी गोल तक ले जाएगा ऑन द अदर हैंड जो हमारा एजाइल फ्रेमवर्क है वो क्या है एजाइल फ्रेमवर्क कहता है कि देखिए वी अंडरस्टैंड द स्पेसिफिक चैलेंजेस देर स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स, जिनको हमने टैकल करना है हाउ एवर राधर दैन मेकिंग रिजिड वन टाइम प्लान लेट्स कीप अ फ्लेक्सिबल अप्रोच ठीक है कि हमने इनिशियल एक छोटा सा प्लान बनाते हैं शॉर्ट टर्म में से मंथ्स बाद वी असेस कि इसकी क्या आउटपुट हुई है राइट तो हम ये नहीं एक्सपेक्ट करते कि वो छह महीने में ही प्रॉब्लम को खत्म कर देगा नहीं बट ये हम ये तो असेस कर सकते हैं कि क्या बेहतरी हुई है क्या थोड़ा सा इंक्रीमेंटल चेंज आया है क्या कुछ चीजें जो हैं चेंज हुई है सो बेस्ड ऑन दैट ऑन दैट असेसमेंट हम अपनी पॉलिसी को ट्वीट कर सकते हैं कि नहीं चलिए हम जितना फंड सोच के चल रहे थे शायद उससे ज्यादा फंड लगेगा या फिर जो हम ये जो कुछ यू नो स्पेसिफिक स्टेप सोच रहे थे ये स्टेप्स जो है इनफ नहीं होंगे हमें शायद सिटीजन वॉलंटियर्स जो है उनको भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा या कुछ और पॉलिसी मेजर्स जो है उनको भी लेना पड़ेगा तो कॉन्स्टेंट इंक्रीमेंटल चेंज के लिए जो है ये अपने आप को ओपन रखती है तो यही एजाइल फ्रेमवर्क जो है ये भी अपनाया गया है सेकेंड जो है लेग ऑफ दिस बारबल स्ट्रेटजी इज समथिंग विच इज फोकस्ड अपॉन वॉट कि दैट वी अंडरस्टैंड दैट येस डिपेंडिंग ऑन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट डिपेंडिंग ऑन द प्रॉब्लम दैट वी आर ट्राइंग टू टैकल हम एक फ्लेक्सीबल पॉलिसी अप्रोच बनाएंगे एंड धीरे धीरे उसमें ट्वीकिंग लाते रहेंगे ताकि जो हमने गोल सेट किया है उसको हम अचीव करते रहें However, at the same time, टाइम also have हैव be बी for फॉर एनी नेगेटिव that दैट occur. अकर ठीक तो है तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है जैसे कि कोविड नाइनटीन अब हो गया अब हमने तो सोचा था इंडिया पांच ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएगी इतनी इसकी ग्रोथ होगी ये होगा वो होगा ना सडनली अ पैंडमिक कम नॉट जस्ट इंडियन ग्रोथ बट वर्ल्ड ओवर जो है उसको उसके अंदर ही एक मेजर होर्डल बन जाता है और इसका सबसे बड़ा स्पिल ओवर इफेक्ट ऑब्वियसली कहाँ पर आएगा अब जो रेलिटिवली बेटर ऑफ होते हैं उनके पास थोड़े से uh, आप यू आप, नो you know, आपके पेरेंट्स या जो भी मिडिल क्लास पेरेंट्स या रिच पेरेंट्स भी होते हैं वो अपने लिए कुछ सेविंग्स जमा करके रखते हैं कि अगर कुछ भी बुरा हो जाए हमारे पास ये है हाउएवर जो सबसे वलनरेबल ग्रुप्स होते हैं चाहे वो इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड हो सोशली मार्जिनलाइज्ड हो माइग्रेंट लेबर हो वेमेन हो चिल्ड्रेन हो दलित्स हो ट्राइबल्स हो ये ऑन द फ्रिंज ऑन द मार्जिन ऑफ सोसाइटी होते हैं ऑफन इनके पास जो है उतनी सेविंग्स उतनी प्रोविजंस, उतना कैपिटल जो है इनके पास नहीं होता तो गवर्नमेंट स्टेट का काम बन जाता है इनके लिए सेफ्टी नेट प्रोवाइड करना कि कहीं स्पिल ओवर इफेक्ट्स जो है इनकी लाइफ को और भी ज़्यादा जो है बुरा ना बना दे तो इन दोनों ही चीज़ों के ऊपर जो है इंडिया ने फोकस किया ये हमारा इकोनॉमिक सर्वे बताता है ठीक है तो एक बहुत बढ़िया जो है आपको ये मिल जाता है फ्लेक्सिबिलिटी एंड इनोवेशन जो कि हमारी एजाइल फ्रेमवर्क है उसके वेरियस एग्जाम्पल जहां पे हमें मिला जैसे कि अब हमने rather देन हैविंग अ वेरी स्ट्रिक्ट government बेस्ड अप्रोच हमने रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए ग्रेटर ओपनिंग up जो है रिड्यूस की ग्रेटर डी रेगुलेशन जो है इंट्रोड्यूस की ताकि हर सेक्टर और एवेन्यू के अंदर जो है थोड़े चेंजेस आ सकें तो चाहे वो एम्प्लॉयमेंट एंड मार्केट रिफॉर्म्स के अंदर वेरियस नए जो आ रहे लेबर कोड्स की बात की जाए यू uh, नो you know, चाहे वो फाइनेंशियल एंड फिजिकल स्पेस में आपके टैक्सेशन के लिए नई पॉलिसीज की बात की जाए चाहे वो रिफॉर्म्स की बात की जाए आपके टेलीकम्युनिश कम्युनिकेशन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ये सब जो है एजाइल फ्रेमवर्क के अंदर आता है वहीं पर इंप्रूविंग रेजिलियंस क्या है सेफ्टी नेट प्रोवाइड करना फॉर द वालनरेबल पॉपुलेशन तो फॉर एग्जाम्पल आत्मनिर्भर भारत अब इंडिया के अंदर ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा इशू आ गया था कि जैसे जैसे अब आप जितने डिपेंडेंट होंगे ऑन इंपोर्ट्स जो कि बाकी कंट्री से आ रहे हैं जब भी ये असेंबली लाइंस जो हैं ये जो पूरी लाइन सप्लाई चाइन सप्लाई चेन्स हैं उनके अंदर जब भी किसी भी तरह की रुकावट आएगी आपकी कंट्री जो है विल ऑब्वियसली बी लेफ्ट विथ नोवे टू को है ना बहुत जगह हमने देखा है जैसे कि चिप्स गाड़ियों के अंदर कितने डिलेज आ गए नहीं तो इस डिपेंडेंस को खत्म करने के लिए प्लस एम्प्लॉयमेंट को बूस्ट करने के लिए आत्मनिर्भर भारत एमर्जेस एज ग्रेट देन प्रोडक्शन लिंक्ड इन्वेस्टमेंट जो आपके इंसेंटिव है वो भी बहुत बढ़िया है और सपोर्ट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए राइट पर्टिकुलरली जैसे कि हमने बात की आपके सेमी कंडक्टर्स चिप्स फार्मास्यूटिकल के जो इंग्रेडिएंट्स है जो मेन आपके इन्ग्रीडियंट्स डलते हैं आपके मेडिसिन के अंदर राइट right? जिनको हम ए बोलते हैं है ना तो कोविड ने तो बहुत ज़्यादा ये बताया कि इन सेक्टर्स में तो आपका आत्मनिर्भर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ठीक है तो ये बहुत सारे जो है इन्होंने स्टेप्स लिए वेरी इंपॉर्टेंटली इन टर्म्स ऑफ जब हम बात करते हैं पर्टिकुलरली आपके सेफ्टी नेट्स क्रिएशन की यहाँ पे जो ये चैप्टर थे है एक नंबर ऑफ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में पॉइंट आउट करता है और वेरियस एग्जाम्पल्स भी देता है तो अगर आपके गवर्नेंस के अंदर ये क्वेश्चन रेज होता है दैट कमेंट ऑन द वेरियस सेफ्टी नेट्स और कमेंट ऑन हाउ द गवर्नमेंट ऑफ द इंडियन स्टेट ज ट्राईड टू प्रोवाइड अ सेफ्टी नेट और ट्राइड टू मिनिमाइज द एडवर्स इंपैक्ट ऑफ कोविड कोविड-19 ऑन द मोस्ट वनरेबल सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन तो आप इस सारे स्कीम्स के जो है वहाँ पे एग्जाम्पल्स दे सकते हैं ठीक है सबसे पहले जब हम बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की कैश ट्रांसफर्स की तो कैश ट्रांसफर्स में तीन चार मेजर स्टेप्स जो है लिए गए ड्यूरिंग द पैंडमिक सबसे पहले 500 पर मंथ जो कि प्रोवाइड किया जा रहा था टू विमेन फॉर थ्री मंथ्स जिनके पास जनधन योजना के अंदर जो है अकाउंट्स है देन रुपीज थाउजेंड टू वालनरेबल सेक्शंस पर्टिकुलरली आपके जो स्पेशली एबल्ड हैं विडोज हैं एल्डरली हैं इसी के साथ साथ आपकी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जहाँ पे छः पर ईयर जो है तीन इंस्टॉलमेंट्स में प्रोवाइड किया जा रहा था किसानों को इसके अलावा जब हम फूड सिक्योरिटी की बात करें कैश ट्रांसफर वन हो गया एक मेन रिक्वायरमेंट क्या होती है फूड सिक्योरिटी की राइट right? पर्टिकुलरली जब आपके पास इनफ सोर्सेज नहीं है टू इंश्योर फूड सिक्योरिटी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंदर भी हमारा एक मेन गोल क्या है ऑफ कॉम्बैटिंग हंगर एंड स्टारवेशन राइट तो आपने कमेंट में मेरे को बताना है कौन सा एस है जो कि हंगर एंड स्टारवेशन के साथ डील करता है तो इसके तहत सबसे पहले प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जो है ये प्रोवाइड की गई जहाँ पे एडिशनल फ्री ऑफ कॉस्ट फूड ग्रेन्स जो है प्रोवाइड की गई अंडर दू एन एफ की हमारे बेनिफिशरीज हैं एट फाइव के पर पर्सन पर मंथ तो ओवर एंड अब जो उनको मंथली कोटा मिलता था उससे ऊपर पाँच किलो जो है प्रोवाइड किया गया देन वेरी इंपॉर्टेंटली एक चीज़ जो हमें पता लगी हमारे माइग्रेंट लेबर राइट हमारा माइग्रेंट लेबर जो है जो उनका होम स्टेट है वहां से माइग्रेट होके दूसरे स्टेट जा रहा है काम करने अब कुछ फैमिली मेंबर्स जो है उस स्टेट में बट मेन लेबर जो खुद इंसान है वो दूसरे स्टेट में है तो अब राशन कैसे अवेल करें इसके लिए पूरे नेशन के अक्रॉस पोर्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए वन नेशन वन राशन कार्ड जो है इंप्लीमेंट कराया गया फॉर सीमलेस पीडीएस की देन वेरी इंपॉर्टेंटली द उज्ज्वला गैस स्कीम जिसके तहत कुकिंग गैस सिलेंडर्स जो है सब्सिडाइज प्रोवाइड किए गए देन वेरी इंपॉर्टेंटली आता है हमारा इंप्लॉयमेंट इंप्लॉयमेंट जनरेशन पर्टिकुलरली फॉर अ ग्रोइंग डेवलपिंग कंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है इसके तहत आपकी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना जो है कोट की गई है यहाँ पे जो कि इमिजियंट इंप्लॉयमेंट एज वेल एज लाइवली अपॉर्चुनिटीज जो प्रोवाइड करने की कोशिश करती थी किनको अब कोविड के टाइम पे बहुत सारे माइग्रेंट्स जो हैं जो डिफरेंट स्टेट्स में काम कर रहे थे डे रिटर्न होम वाई बिकॉज नौकरी नहीं थी लॉकडाउन हो गया था सब कुछ जो है खत्म हो गया था तो अब वो कैसे पे करें फोर देयर स्टे फॉर देयर फूड सो ऑल ऑफ दर केम बैक टू देर होम टाउन्स एंड देन देर वॉज अ लॉट ऑफ हेजिटेशन टू रिटर्न टू वर्क ऑल्सो तो ऐसे माइग्रेंट जो वापस आ रहे थे उनके लिए लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज जो है क्रिएट करने की बात की गई पर्टिकुलरली छः ऐसे स्टेट्स है जहाँ से बहुत माइग्रेंट लेबर जाता है दैट इज़ बिहार झारखंड मध्य प्रदेश ओडिशा राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश इसके अलावा मनरेगा जो हमारा प्रोग्राम है वेरी इंपॉर्टेंटली आपके मनरेगा वेज के अंदर जो है इसको बढ़ाया गया ओवर वर्ज वेज रेट नियरली ट्वेंटी परसेंट ओवर रेट ऑफ ट्वेंटी इसके अलावा आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना जो है इसको भी मेजर पुश दी गई टू रिड्यूस फाइनेंशियल बर्डन जो है ऑफ दी एम्प्लॉयर्स एंड उनको इंकरेज किया गया कि आप मोर वर्कर्स को हायर कर पाए जो कि ईपीएफओ जो है इंप्लीमेंट करता है तो उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन में योगदान देके उनको स्ट्रेस से बचाया कि आप ये टेंशन मत लीजिए कि आपकी और कॉन्ट्रीब्यूशन होगी इसके कारण आप हायरिंग नहीं कर रहे हैं वहां पे योगदान देके स्टेट ने जो है एम्प्लॉयमेंट को और पुश देने की कोशिश की थ्रू दिस स्कीम अनादर मेजर पुष्ट केम इन द फॉर्म ऑफ योर स्किल डेवलपमेंट और यहां पर दीनदयाल उपाध्याय ग्राम कौशल्य योजना जो है बहुत इंपॉर्टेंट है पर्टिकुलरली ूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को इंकरेज करने के लिए जहां पर नंबर ऑफ रूलर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोले गए राइट पर्टिकुलरली रूरल एरियाज में भी सी लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट बिकॉज यहां पे एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर के अंदर डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट कम करने के लिए प्लस अनएम्प्लॉयमेंट को भी रिड्यूस करने के लिए दिस सेल्फ स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्किल डेवलप करेंगे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज जनरेट करेंगे तो एक पर्सन नहीं मल्टीपल पीपल जो है एम्प्लॉय हो सकता

री इंपॉर्टेंटली हाउसिंग वॉज अचर जब लॉकडाउन आया है ना लॉकडाउन के अंदर अब जो मिडिल क्लास है अपर क्लास है उनके लिए तो कितना आसान है आप अपने घरों में बंद हो जाइए सेफ रहिए वॉट अबाउट द मार्जिनलाइजन ऑफ पॉपुलेशन जिनके पास घर ही नहीं है जो रोड पे रह रहे हैं वो कहां जाए ऐसे लॉकडाउन में तो उसी के चलते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एंड प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन को मेजर पुश दी गई हाउसिंग क्राइसिस रिजॉल्व करने के लिए जहां ऑफ हाउसेस क्रिएटेड टू एंश्योर आपकी होमलेसनेस को टैकल करने के लिए पर्टिकुलरली फॉर द मार्जिनलाइज सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन अब इसके अंदर कोविड नाइनटीन ऑब्वियसली बिकम्स पार्ट चैप्टर नाइन के अंदर एक और चीज जिसके बारे में वो बात करते हैं इस गवर्नमेंट की क्या अप्रोच रही टू टैकलिंग कोविड नाइनटीन अब यहां पे वो कहते हैं कि गवर्नमेंट एक मल्टी प्रोन्ड अप्रोच अपनाई राइट वी अंडरस्टैंड दैट अ हैज कैन हैव मल्टीपल कॉन्सिक्वेंसेस एंड हेल्थ को भी जैसे इंपेक्ट करता है उसके लिए हमें एक मल्टी प्रोंगड अप्रोच की जरूरत है सबसे पहले तो इनिशियल रिएक्शन था जो इनिशियल एक्शन लिया गया टू रियली कट डाउन ऑन द इम्पैक्ट जो इस पैंडमिक का होगा वॉज बाई इंपोजिंग रिस्ट्रिक्शन एंड पार्शल लॉकडाउन तो पहले कंप्लीट लॉकडाउन जो है वो दिया गया उसके बाद पार्शल लॉकडाउन जहां पे फेज वाइज स्ट्रैटेजीज फॉलो की गई थी जहां पे वेरियस आइडियाज को जोन में डिवाइड किया जाता था डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ केसिस ऑल्सो प्लस रिस्ट्रिक्शन जो कि इंपोज की गई कि कितनी कैपेसिटी पे कौन सी चीजें जो है फंक्शन कर सकती हैं तो 50 परसेंट कैपेसिटी पे प्लस कौन सी चीजें खुली रह सकती है कौन सी आपको बंद करनी होगी देन वेरी इंपॉर्टेंटली वी ऑल्सो रियलाइज

पर्टिकुलरली आपके प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स के अंदर भी जो है मेजर पुश मिली राइट right? जो फॉर एग्जाम्पल केरला इनिशियली बहुत बढ़िया कर रहे थे इन टैकलिंग जो आपका कोविड uh, 19 का आउटब्रेक था राइट right? इनकी जो कुदुम्बश्री प्रोग्राम था जिसके तहत जो आपकी विमेन थी एट द ग्रास रूट वो बहुत ही एक मेजर रोल प्ले कर रही थी और यही देखा गया इन द थर्ड स्ट्रैटेजी विच वॉज कोविड नाइन्टीन अप्रोप्रिएट बिहेवियर है ना कि अब कोविड नाइन्टीन के चलते हुए मास्क डालना है आपने छः फुट की दूरी पर आपने रखनी है जो आपके आप नॉर्म सेट किए गए हैं से कैपेसिटी नॉर्म्स उनको आपने फॉलो करना है तो इसके लिए अवेयरनेस रेजिंग की बहुत ज़्यादा जरूरत थी तो वहाँ पे काम किया गया प्लस द टी थ्री अप्रोच विच वॉज टेस्टिंग सबसे पहले मैसिव टेस्टिंग की जरूरत है देन ट्रेसिंग अगर एक इंसान को जो है टेस्ट किए हैं वो पॉजिटिव तो जितने भी लोग उनके कॉन्टैक्ट में आए हैं रिसेंटली टू ट्रेस दोज पीपल एंड पुट देम अंडर आइसोलेशन आल्सो। तो यहाँ पे इस काम के लिए आपके बहुत इंपॉर्टेंट एक आरोग्य सेतु ऐप जो है उसको इंट्रोड्यूस किया गया एंड देन ऑब्वियसली योर ट्रीटमेंट परपज जो है ट्रीटमेंट करना भी जो है एक अप्रोच थी देन ऑब्वियसली वेरी इंपॉर्टेंटली विद योर डेवलपमेंट आई द वैक्सीनेशन ड्राइव एंड इंडिया ऑब्वियसली वेरी इंपॉर्टेंटली इंडिया के अंदर इंडिजिनियस प्रोडक्शन जो है काफी ज्यादा बेहतर रही है राइट right? आपकी दो सबसे पहले जो कोविशील्ड एंड देन कोवैक्सिन एंड उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंटली आपकी स्पटनिक फाइव है ना तो अब इसके चलते हुए प्रॉपर अब आप प्रोड्यूस कर रहे हैं बट इनको पहुंचाना भी टिल द पीपल इज अ मैसिव जॉब तो यहां पे भी एक काम जो है शुरू किया गया एक नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप फॉर वैक्सीनेशन फॉर कोविड 19 सेटअप किया गया जिसने पूरी स्ट्रैटेजी बनाई कोविन प्लेटफॉर्म बनाया गया एक डिजिटल प्लेटफॉर्म जिसके थ्रू इसको प्रोवाइड किया जाए इवेंचुअली आगे चल के एक लिबरलाइज वैक्सीनेशन स्ट्रैटेजी भी प्रोवाइड की गई जहाँ पे स्टेट्स एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स डायरेक्टली प्रोक्योर कर सकते थे वैक्सीनेशन की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनके डोजेस फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर्स दैम ठीक है तो ये सारे स्टेप्स जो हैं चैप्टर टेन के अंदर लिस्ट आउट गए है। Now, आगे चलते हुए, टेन का जो एडुकेशन एंड हेल्थ तो इन दो सेक्टर्स के ऊपर जो है हम फोकस करेंगे तो गवर्नमेंट ने क्या बोला गवर्नमेंट कहती है इको सर्वे के अंदर फाइनेंस मिनिस्टर कहती है कि अगर हम ट्रेंड्स देखे सोशल सेक्टर एक्सपेंडिचर में तो अगर हम रिवाइज एस्टिमेट्स ऑफ 2021 देखें एंड आगे चल के जो बजट एस्टिमेट्स भी हैं ऑफ ट्वेंटी वन उसके अंदर जो सोशल सेक्टर स्पेंडिंग है उसके अंदर काफी ज्यादा राइज देखा गया है अगर हम एडुकेशन के अंदर देखें तो एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी मतलब हमारा जो जी है उतना उसका कितना परसेंटेज खर्चा किया जा रहा है एडुकेशन एंड हेल्थ पे उसको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है तो अगर हम एडुकेशन की बात करें तो 2020 और के अंदर दिस वॉज थ्री पॉइंट वन परसेंट ऑफ द टोटल जी डी पी विच इज ऑब्वियसली मोर देन टू पॉइंट एट जो कि ट्वेंटी फोरटीन से कॉन्स्टेंट रहा था अगर हम हेल्थ की बात करें तो दिस वॉज वन पॉइंट एट परसेंट ऑफ द जी डी पी विच इज अगेन मोर देन वन पॉइंट टू टू वन पॉइंट फोर की रेंज जो की रही थी फ्रॉम ट्वेंटी फोरटीन टू ट्वेंटी ट्वेंटी तो इनका कहना है कि हमने सोशल सेक्टर के ये जो कोर एरियाज़ हैं, वहां पे हमने इंक्रीज की है जो हमारा एक्सपेंडिचर है ना सबसे पहले देखने की जरूरत है एडुकेशन सेक्टर को ना बिफोर वी टॉक अबाउट एंड चैप्टर सबसे पहले बात करता है कि आखिरकार इम्पैक्ट क्या हुआ पैंडमिक का ऑन एडुकेशन नाउ गवर्नमेंट के पास खुद के आंकड़े जो है फ्रेश आंकड़े नहीं थे राइट right? उनके पास पुराने जो है डेटा था एंड दैट इज वाई दे रिलाईड ऑन द वर्क डूंगयर तो आपका जो एनुअल सर्वे एक करती है बहुत इंपॉर्टेंट असर सर्वे होता है जो कि प्रथम जो एक एन जी ओ हैं वो कंडक्ट करते हैं एंड बहुत ज़्यादा क्रेडिबिलिटी जो है अटैच्ड है इसके साथ तो असर के अंडर फाइंड किया गया कि डिस्पाइट द पैंडमिक अगर हम इनरोलमेंट की बात करें पर्टिकुलरली आपकी 15 टू 16 इयर्स की एनरोलमेंट में इसमें एक इम्प्रूवमेंट देखी गई ठीक है एक इम्प्रूवमेंट देखी गई एज द नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो कि एनरोल नहीं हुए थे ये जो लास्ट 2018 के अंदर ये एक परसेंटेज थी 12.1 परसेंट ये 2021 के अंदर रिड्यूस हो गई टू ओनली 6.6 परसेंट हाउ जो असर का रूरल कॉम्पोनेंट की रिपोर्ट है इसने ये अंडरलाइन किया कि पैंडमिक के दौरान वट हैप के बच्चे जो की सिक्स टू फोर्टीन ईयर्स के एज ग्रुप के अंदर फॉल करते हैं उनके अंदर इंक्रीज आ गया है तो जहां ट्वेंटी के के बच्चे, ऐसे बच्चे थे जो कि एनरोल्ड नहीं थे स्कूल में दैट वॉज ओनली टू पॉइंट फाइव परसेंट इन ट्वेंटी ट्वेंटी इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे तो ऑब्वियसली एनरोलमेंट शायद इंक्रीज हुई क्यों क्योंकि ये पैंडमिक एरा के पहले थे मतलब जो आज पंद्रह साल का हुआ है वो पहले आपके जो है वेरी इंपॉर्टेंटली अगर जो इंसान से 2020 में पंद्रह साल का हुआ वो ऑब्वियसली 2015 के अंदर जो है आपके दस साल का था तो ऑलरेडी वो अपनी एडुकेशन कवर कर चुके थे हाउएवर अभी जो छः से चौदह साल की उम्र के बच्चे हैं जिन्होंने एनरोल होना था स्कूल में वो पैंडमिक के कारण जो है पीछे रह गए हैं वेरी इंपॉर्टेंटली इस रिपोर्ट ने अंडरलाइन किया डिजिटल डिवाइड को भी अब जैसे स्कूल्स ऑनलाइन हो गए ऑब्वियसली आपके बहुत सारे स्कूल्स जो हैं, वो ऑनलाइन हो गए बिकॉज दिस वॉज कंसिडर्ड द सेफ मोड अब आप स्कूल तो जा नहीं सकते स्कूल्स जो हैं बंद कर दिए गए हैं जो स्प्रेड है उसको कर्ब करने के लिए तो जो एग्जिस्टिंग डिजिटल डिवाइड था बिटवीन यू नो स्टूडेंट इन रूरल एरिया फ्रॉम मार्जिनलाइज एंड वर्लरेबल से पास डिजिटल एक्सेस है वो डिजिटल डिवाइड और भी ज्यादा बढ़ गया है ड्यू टू द पैंडमिक साथ ही में असर रिपोर्ट ने पॉइंट आउट किया कि इस पैंडमिक के दौरान जो बच्चे हैं पर्टिकुलरली रूरल एरिया के वहां पे एक माइग्रेशन देखी गई है कि प्राइवेट स्कूल से निकल के ये गवर्नमेंट स्कूल में शिफ्ट होते हैं अभी इस कारण भी हो सकता है कि पैंडेमिक के दौरान तो ऑनलाइन एजुकेशन हो रही थी बट प्राइवेट स्कूल्स ने अपनी फीस कम नहीं की तो पेरेंट्स माइट हैव थॉट दैट रादर देन स्पेंडिंग सो मच इतना ज्यादा प्राइवेट स्कूल्स जिन्होंने ऑनलाइन एजुकेशन के चलते हुए और ज्यादा फी हाइक्स कर दी थी दे डिसाइडेड टू मूव इन गवर्नमेंट स्कूल्स एंड दिस वॉज सीन अक्रॉस एज ग्रुप्स तो तीन जो आपके एज को देखता है असर फ्रॉम सेवन टू टेन ईयर्स ऑफ एज इलेवन टू फोर्टीन एंड फिफ्टीन टू सिक्सटीन तीनों के अंदर ही जो है ये टेंडेंसी देखी गई you <laughs> वेरी इंपॉर्टेंटली ये चैप्टर टेन पॉइंट आउट करता है कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट मेजर्स को बूस्ट करने के लिए एंड एक तरह से डिजिटल ऑनलाइन एंड ऑन एयर एडुकेशन मीडियम प्रोवाइड करता है अब क्योंकि बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे यहां उनको सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड किया गया इसके चार मेन कॉम्पोनेट हैं सबसे पहले एक दीक्षा प्लेटफॉर्म जो कि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ये डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स लेक्चर्स एक्सेट्रा प्रोवाइड किए जाने लग गए देन स्वयं प्रभा टीवी चैनल्स जहाँ पे टीवी पे ऑन एयर क्लासेस जो है प्रोवाइड की जा रही थी देन डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटी रेडियो पॉडकास्ट जहाँ पे बच्चों को पढ़ाया जा रहा था एंड इसके अलावा जो आपके दिव्यांग बच्चे हैं स्पेशली एबल्ड बच्चे हैं उनके लिए स्पेशल क्लासेस दीक्षा प्लेटफॉर्म पे साथ ही साथ में स्टडी मटेरियल्स भी प्रोवाइड करना जो कि डेजी सिस्टम मतलब डिजिटली एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन सिस्टम और साइन लैंग्वेज में ताकि जो विजुअली एंड हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चे हैं वो भी स्टडी मटेरियल्स को पढ़ पाएं देन वेरी इंपॉर्टेंटली नेशनल डिजिटल एडुकेशन आर्किटेक्चर जो आपका एन है एनडीआर बेसिकली एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है जो कि 2021 में लॉन्च किया गया था राइट जहां पे एक डिजिटल फर्स्ट माइंड सेट के साथ जो है बात की गई है जो कि लर्निंग एक्टिविटीज को भी सपोर्ट करेगा एंड टीचिंग एक्टिविटीज को भी बिकॉज ऑनलाइन लर्निंग इज फॉर दी नेक्स्ट जनरेशन राइट इट इज समर टू स्टे साथ ही साथ में एडुकेशन प्लानिंग में भी हेल्प करेगा एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करेगा एंड साथ ही में सेंटर एंड स्टेट से की जो एडुकेशन रिलेटेड एक्टिविटीज है उसमें भी कोऑर्डिनेशन एनेबल करेगा लास्ट बट नॉट द लीस्ट विद्यांजलि जो है ये शुरू किया गया विद्यांजलि अब क्या है ये एक बेसिकली वॉल्टियर प्रोग्राम है अब देर आर अ नंबर ऑफ वॉलेंटियर्स जो कि यू नो बहुत वेल well एडुकेटेड है बहुत उनमें स्किल्स हैं तो वो स्कूल्स के अंदर आके अपनी स्किल्स नॉलेज को शेयर कर सकते हैं और बच्चों के इसके बारे में पढ़ा सकते हैं राइट सो फॉर एग्जाम्पल आप में से कोई जो है किसी एक बहुत अच्छी से पोस्ट पे हैं या फिर मैन्युफैक्चरिंग या इंडस्ट्री के अंदर जो है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तो आप आ सकते हैं इन बच्चों को कुछ वोकेशनल ट्रेनिंग या कुछ स्किल्स के बारे में जो है सिखा सकते हैं या अगर आप एक आईटी कंपनी हैं आप आके उनके साथ उनके लिए जो है कंप्यूटर स्किल्स जो है इम्पार्ट कर सकते हैं तो एक बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम जो है जिसकी शुरुआत की गई इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंटली ये मैंशन करती है हमारी मेजर स्कीम्स जो कि 2021-22 के अंदर पर्टिकुलरली आपकी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 2020 है उसके तहत इंपॉर्टेंट साबित हुई सबसे बड़ा आपके सामग्र शिक्षा स्कीम जो कि पांच साल के लिए दैट इज 21-22 से लेकर 25-26 तक जो है एनवेज की गई है जो कि एक इंटेग्रेटेड स्कीम है फॉर स्कूल एडुकेशन तो प्री स्कूल से लेकर बारहवीं क्लास तक ये ये नहीं डिवाइड करती कि अच्छा प्राइमरी स्कूल के अंदर ये स्ट्रैटेजी होनी चाहिए एलिमेंट्री तक आते आते ये होनी चाहिए सेकेंडरी में ये होनी चाहिए ये कहती है कि आपकी लर्निंग सीमलेस एंड इन कंटिन्यूटी चलती है तो प्री स्कूल से लेकर बारहवीं तक के लिए ये एक इंटेग्रेटेड स्कीम जो है उसकी तरह प्रोवाइड किया गया है एंड पर्टिकुलरली हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल फॉर एडुकेशन है विच इज एस डी जी फोर उसको ये अचीव करने में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है देन वी हैव अ निपुण भारत मिशन निपुण भारत मिशन अगेन 2021 के अंदर जो है लॉन्च किया गया विच इज योर नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरसी नाउ न्यूमरस असल रिपोर्ट से हमें पता लगा है कि लिटरेसी एंड आपकी जो न्यूमरेसी है मैथमेटिकल एबिलिटीज रीडिंग एबिलिटीज अभी भी बहुत सफ़र करती है इंडिया के अंदर तो ये निपुण मिशन जो है लॉन्च किया गया बेसिकली प्रायोरिटीज एंड एक एक्शनलेबल एजेंडा प्रोवाइड करने के लिए स्टेट्स एंड यूटीज को ताकि ये फाउंडेशनल लिटरेसी जो होती है पढ़ने में उसको अचीव कर सके एंड साथ ही वे न्यूमरेसी को भी बाई ग्रेड थ्री तो बच्चे जो है ढंग से पढ़ पाए कुछ बेसिक मैथ्स क्वांट जो है उसको कर पाए उसके लिए ये किया गया है देन ऑब्वियसली वी हैड द प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण जो कि एडुकेशन के साथ साथ बच्चों की हेल्थ की भी देखभाल करने की कोशिश करता है उनकी न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट्स को भी फुलफिल करने की कोशिश करता है तो पोषण अभियान जो कि पहले आपका नेशनल मिड डे मील स्कीम था ये सारे बच्चों को कवर करता है जो कि आपके क्लास वन से लेके जिसको बाल वाटिका ये कहते हैं तो कोई भी क्लासेस जो आपकी के जी वन हो गई वहां से लेके आपके क्लासेस एथ तक इन गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल तो इन बच्चों के लिए जो है ये स्कीम प्रोवाइड की गई अब इसके अलावा जो सेकेंड एक मेजर सेक्टर है जिसकी ये बात करता है जो चैप्टर टेन है दैट इज हेल्थ एंड यहाँ पे उन्होंने पर्टिकुलरली सबसे पहले पॉइंट आउट करने की कोशिश की आपका नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे क्योंकि ट्वेंटी नाइनटीन के अंतर का डेटा जो है वो प्रोवाइड करता है एंड ये इकोनॉमिक सर्वे एक तरह से एक ग्राफ ऑफ प्रोग्रेस दिखाता है ये 5 के अंदर का. तो अगर हम एन एफ एच एस वन से लेकर एन एफ एच एस फाइव तक इसको कंपेयर करें राइट तो डिफरेंट डिफरेंट हेडर्स के अंदर आंकड़े आपको दिए गए हैं अगर हम बात करते हैं टोटल फर्टिलिटी रेट की विच इज चिल्ड्रन पर मतलब एक औरत कितने बच्चे प्रोड्यूस कर रही है तो दिस टी एफ आर जो हैज कम डाउन टू टू बहुत इंपॉर्टेंट है ये ठीक है बहुत बढ़िया जो है मतलब हम काफी कंसिडरेबल प्रोग्रेस जो है कर रहे हैं टू वर्ल्ड रीचिंग आर रिप्लेसमेंट जो एक क्रिएट होता है देन वेरी इंपॉर्टेंटली सेक्स रेशो एट बर्थ नाउ दिस इज अली प्रॉब्लम थिंग राइट इंडिया के अंदर सेक्स रेशियो बिकॉज ऑफ एक जो इनग्रेन पेट्री आकी एंड प्रेफरेंस फॉर मेल चाइल्ड है काफी ज्यादा लॉप साइडेड रहता है तो यहां पर भी हमने इंप्रूवमेंट देखी ऑफ नाइन ट्वेंटी नाइन फीमेल्स फॉर एवरी थाउजेंड मेल्स देन जो आपका आई एम आर है दैट इज योर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेशो विच इज पर थाउजेंड लाइव बर्ड मतलब इनफेंट्स डाइंगट हेज ऑल्सो रिड्यूस टू थर्टी फाइव पॉइंट टू अगर हम अंडर फाइव मोर्टेलिटी रेशियो की बात करें वहां पर भी इम्प्रूवमेंट आई है अगर हम देखें प्रेगनेंट वुमेन को एज फिफ्टीन टू फोर्टी नाइन के अंदर जो कि अनीमिक है जो कि आपकी न्यूट्रिशनल किया हुआ है वह बात करता है यहाँ पे हाउएवर हैज बीन प्रॉब्लम जहां पे आपके एन एफ एच एस फोर के अंदर दिस वॉज फिफ्टी पॉइंट फोर हमारे प्रेजेंट सर्वे ने पॉइंट आउट किया दैट दिस परसेंटेज हैज इंक्रीज्ड टू 52.2 ठीक है ये जो है मेजर था हाउएवर एक एरिया जहां पे हमने कंसिडरेबल इंप्रूवमेंट देखी है इस पॉपुलेशन जो कि रेहरी इन हाउसहोल्ड्स विद एन इंप्रूव्ड सैनिटेशन फैसिलिटी तो यहां पे आप अपने स्वच्छ भारत अभियान के सक्सेस को जो है लिंक कर सकते हैं जहां पे ये परसेंटेज हैज टू नियरली 70.2% विच फ्रॉम फोर्टी एट पॉइंट फाइव परसेंट था अगेन आपकी उज्ज्वला स्कीम एक्सेट्रा की अगर आपने एग्जाम्पल देना हो तो अगेन आप एन एफ एच एस फोर से फाइव से कर सकते हैं जहां पर हाउस होल्ड जो की क्लीन फ्यूल यूज कर रहे हैं फॉर कुकिंग हैज इंक्रीज टू फिफ्टी एट पॉइंट सिक्स फ्रॉम फिफ्टी थ्री पॉइंट फोर्टी थ्री पॉइंट परसेंट ठीक है तो ये आंकड़े जो है बहुत बढ़िया हैं बहुत ज्यादा यूजफुल हैं जिनको इको सर्वे का ये चैप्टर टेन पॉइंट आउट करता है नाउ वेरी इंपॉर्टेंटली इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट वेरी इंपॉर्टेंटली सर्टन हेल्थ स्कीम्स तो आपके प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकती है बिकॉज उनके अंदर इन स्कीम्स के बारे में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं साथ ही में आपके मेन्स के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही है सबसे पहले बात करता है आयुष्मान भारत के अंदर जो आपके हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स जो है उनको जो जो प्रोवाइड किया गया है सो नियरली डेढ़ लाख एच की बात की जो कि पहले एग्जिस्ट करते थे प्राइमरी सेंटर्स आपके सब प्राइमरी सेंटर्स उनको रिप्लेस करता है तो इंस्टेड ऑफ प्रोवाइडिंग सिलेक्टिव हेल्थ अभी कंप्लीट प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं प्रिवेंटिव पैलिएटिव क्यूरेटिव ताकि हर एज का इंसान जो है अपने क्लोजेस्ट एंड मोस्ट अफोर्डेबल जो है ये उनको हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड कर सके Then you have the जन आरोग्य योजना जो कि एक वेलफेयर है, है उन्होंने क्या प्रोवाइड किया है एक बेनिफिट कवर ऑफ रुपीज फाइव लैख पर फैमिली पर ईयर जो आपकी आपकी सेकेंडरी केयर एंड टर्शरी केयर जब आपको हॉस्पिटल जाना पड़ता है कुछ सर्जरी करानी पड़ती है उनके खर्चों को जो है प्रोवाइड कर पाए तो आपका आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ कम करने के लिए बहुत ही क्रूशल स्कीम है देन वी हैव अ प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन नाउ दिस वाज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट जैसे हमने कोविड 19 में देखा है ना हेल्थ कैपेसिटी बढ़ानी हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की कैपेसिटी बढ़ानी बहुत ही इंपॉर्टेंट देखा गया था तो इसी क्रिटिकल गैप को फिल करने के लिए पर्टिकुलरली पब्लिक हेल्थ के अंदर बिकॉज इंडिया के अंदर एक कंसिडरेबल पॉपुलेशन है जिनके पास इनफ पैसा नहीं है हेल्थ के ऊपर खर्चा करने के लिए तो यहाँ पे इस स्पेशली क्रिटिकल हेल्थ क्रिटिकल केयर फैसिलिटीज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट अलॉन्ग विथ प्राइमरी केयर अर्बन एरियाज में भी रूरल एरियाज़ में भी ठीक है तो इसके लिए जो है आपका ये पीएम अभीम एक तरह से ये प्रोवाइड किया गया है आपके नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के तौर पे जो कि एक आईटी एनेबल्ड डिजीज सर्वेलेंस प्रोवाइड करता है राइट जहाँ पे ब्लॉक लेवल पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रीजनल लेवल पे और नेशनल लेवल पे कंप्लीट सर्वेलेंस हो सके तो हमने आरोग्य सेतु के थ्रू ही देखा था जैसे कि आरोग्य सेतु भी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म था आपके कोविड नाइन्टीन की सर्वेलेंस करने के लिए स्प्रेड को रोकने के लिए तो अब ऑल काइंड ऑफ डिजीजेज के लिए एंड फ्यूचर पैंडमिक्स प्रिवेंट करने के लिए पहले ही ये अभीम जो है क्रिएट किया जा रहा है देन वेरी इंपॉर्टेंटली वी ऑल्सो हैव द प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना जो कि बेसिकली अफोर्डेबल हेल्थ केयर सर्विस फेसिलिटीज जो हैं जो की हर स्टेट के अंदर अवेलेबल नहीं थी उनके अंदर इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करता है तो जैसे कि नियरली ट्वेंटी टू एम्स जो है वो क्रिएट किए जा रहे हैं पर्टिकुलरली आपके अंडर सर्व स्टेट्स में नियरली सेवेंटी फाइव आपके जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं फॉर पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सर्विसेज उनके अंदर अपग्रेडेशन की जा रही है इसी प्लान के अंदर देन वी हैव द आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जो कि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म क्रिएट करेगा विद विथ तो जो कि डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम बन सकता है अब कोविड नाइन्टीन के तौर पर हमने देखा था कि बहुत सारे लोग जो है अगर कोविड हो गया है तो ऐसी बात तो है नहीं कि बाकी डिजीजेस अब नहीं हो रही हैं अब जो हार्ट पेशेंट है उसको तो अभी भी मिलना है डॉक्टर से बट अब वो जा नहीं सकता हॉस्पिटल क्यों कोमोबिडिटी को, 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 है ऊपर से कोविड का डर है तो इस दौरान जो वर्चुअल एंड सेशंस थे वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गए थे साथ ही में ये भी जानना कि कितना क्या मुझे प्रॉब्लम है वो भी उनको पता लग सके तो इसके लिए इस तरह के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट तो यहाँ पे एक यूनिक हेल्थ आईडी की बात की है जहाँ पे मेरी सारी हेल्थ इंफॉर्मेशन जो है एक हेल्थ आईडी से जुड़ी हो जाएगी उसको एक, उसको एक्सेस करते ही डॉक्टर को पता होगा क्या क्या मुझे प्रॉब्लम्स है क्या क्या इशूज़ है सिमिलरली एक नेशनल लेवल पर एक डिजिटल रजिस्ट्री होगी ऑफ हेल्थ facilities, सो so, कौन से हॉस्पिटल्स हैं क्या क्या चीज़ें वो प्रोवाइड करते हैं सब कुछ जो है यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा अलॉन्ग विद ऑब्वियसली योर ई संजीवनी जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था जो कि टेलीकॉम सर्विस है एक नेशनल टेली सर्विस है जिसके थ्रू पेशेंट्स एंड डॉक्टर्स वर्चुअली या टेली के थ्रू जो है इंटरेक्ट कर सकते हैं तो रिमोट एरियाज में रूरल एरियाज में जो लोग बैठे हैं उनके लिए ई e संजीवनी जो है Particularly के के पे ठीक है, है तो तो अंदर ये ये कुछ चीजें हैं हैं जो कि की, की गई है in chapter 10. बहुत ही आपके का. तो हमने फटाफट से जो है इन दो कॉम्पोनेंट्स की एडुकेशन एंड हेल्थ के ऊपर जो है आपको एक गवर्नेंस अप्रोच से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फटाफट लिस्ट कर दिए हैं. ठीक है, वाज ऑल फॉर टुडे Thank you and keep watching sleepy classes.